नमस्कार, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं एशिया न्यूज इंडिया में। बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। हेमंत सोरेन की विधायकी पर सस्पेंस जारी, गवर्नर के आदेश का इंतजार बढ़ा, जल्द आयोग को भेजेंगे फैसला। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायकी से अयोग्य करने संबंधित अपना आदेश शनिवार को भी जारी नहीं किया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आदेश जल्द ही आएगा। बताया जा रहा है कि राज्यपाल अभी चुनाव आयोग के परामर्श का वैधानिक पहलू का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद वे अपने आदेश को भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल की ओर से हेमंत सोरेन की अयोग्यता से संबंधित आदेश ईसीआई को भेजा जाएगा। राज्यपाल के आदेश के आधार पर आयोग बतौर विधायक हेमंत सोरेन को अयोग्य साबित होने के कारण बरहेट विधानसभा की सीट खाली होने की अधिसूचना जारी करेगा और इसकी जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा। यहां से सूचना झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होने की जानकारी सूत्रों ने दी है। मुश्किलों की मझार में नौका पर सवार, वोट राइट से सोरेन का क्या संदेश? झारखंड में चल रहे सियासी संकट को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद शनिवार को 3 बसों में सवार होकर किसी अज्ञात गंतव्य के लिए रवाना होते देखे गए। इसके बाद लतराजू डैम पहुंचे मुख्यमंत्री और विधायकों ने वोटिंग का लुफ्त उठाया। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त मुश्किलों की मझार से गुजर रहे हैं, लेकिन इस वोट राइट से उन्होंने विपक्षियों को अपनी मजबूती का संदेश दिया है। एक नेता ने बताया था, अगर जरूरत पड़ी तो सभी सत्तारूढ़ विधायकों को एक ही गंतव्य पर भेजा जाएगा। सभी विधायक अपना सम्मान लेकर मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने आए हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें एशिया न्यूज इंडिया। धन्यवाद।